पोहरी नगर परिषद का 2 सैकड़ा लोगों ने किया घेराव, हुआ हंगामा। पोहरी नगर परिषद में आज करीब 200 की संख्या में नगरवासियों ने जुटकर नगर परिषद का घेराव कर हंगामा कर दिया। कस्बे के रहवासियों का आरोप था कि नगर परिषद प्रबंधन के द्वारा सफाई, सड़क निर्माण, पानी के सप्लाई की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित नहीं किया जा रहा है। महीनों से स्थिति जस की तस पड़ी हुई थी। हंगामा कर रहे लोगों ने बताया कि करीब 21 दिन के बाद नगर परिषद के सीएमओ सौरव गौड़ नगर परिषद में पहुंच गए थे। जैसे ही इसकी सूचना कस्बे में फैली, इसके बाद लोग अलग अलग वार्डों से निकलकर नगर परिषद पहुंचे और उनके द्वारा हंगामा किया गया। पोहरी नगर के रहने वाले रवि दुबे ने बताया कि संपूर्ण कस्बे में पानी के सप्लाई की व्यवस्था खराब पड़ी हुई थी। इसकी कई शिकायतें नगर परिषद में दर्ज कराई गई थी, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। रमेश जाटव ने बताया कि 3 महीने से उनके घर पर पानी की सप्लाई नहीं पहुंची थी, इसके बावजूद नगर परिषद के द्वारा पानी की समस्या को दूर नहीं किया गया। नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 14 के रहने वाले होतम सिंह ने बताया कि उनके वार्ड में 6 महीने से हैंडपंप खराब पड़ा हुआ है। शिकायत लेकर पहुंचे मोनू जाटव ने बताया कि क्षेत्र में पानी और सफाई की गंभीर समस्या बनी हुई है। आज इसी को शिकायत को लेकर पोहरी नगर परिषद क्षेत्र के रहने वाले सभी लोग नगर परिषद में एकत्रित हुए। लोगों का कहना है कि नगर परिषद के सीएमओ से 7 दिन भीतर कस्बे में बदलाव लाने की बात कही। ऐसे में अगर जल्द सीएमओ का निदान नहीं हुआ तो अगले 7 दिनों के बाद उग्र आंदोलन सहित चक्का जाम नगर परिषद में किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी नगर परिषद की होगी। रवि दुबे, तो आप जो नगर परिषद में 2 सैकड़ा लोगों को लोग आए हैं, किस लिए आए हो आप लोग यहाँ? ये नगर परिषद का घेराव इसलिए किया गया कि यहाँ 1.5 साल से जो अव्यवस्थाएँ चल रही थी, जो फर्जी बिल पास कर रहे हैं, जमीनी हकीकत कुछ नहीं है, इनने आज तक किसी भी वार्ड में कोई भी समस्या का समाधान नहीं किया है। ना किसी वार्ड में सीसी डाली है, ना नल जल योजना है इनके पास, ना सफाई कार्य है, कुछ नहीं है इनके पास। इस कारण हेतु आज हम सब उग्र प्रदर्शन किया है, नगर परिषद का घेराव किया है। तो सीएमओ मिले हैं आपको? हाँ, आज पहली बार हमको सीएमओ साहब उपस्थित मिले। कितने दिनों बाद आए सीएमओ साहब? आज 22 दिनों बाद। 22 दिनों बाद तो क्या कुछ आश्वासन दिया है सीएमओ साहब ने आप लोगों को? सीएमओ साहब का वही आश्वासन है जो शुरू से चलता आ रहा है कि हाँ, हम काम करेंगे सुचारू रूप से। क्या लग रहा है आपको, क्या सीएमओ साहब का जो आश्वासन काम आएगा? अब देखते हैं, जो आश्वासन दिया है उस पर अगर अमल करते हैं तो अच्छी बात है, जनता के हित में होगा, नहीं अन्यथा वही चलेगा फिर। अगर अगर आश्वासन काम नहीं हुआ, अगर जो आश्वासन दिया है तो क्या कुछ रूपरेखा द्वारा तैयार रहेगी? अगर हमारी सुनवाई अभी पूरी नहीं हुई। कितने दिनों का समय दिया है आपको? 7 दिन में, वो बोल रहे हैं कल से आपको लगेगा कि हाँ आपके प्रदर्शन में कुछ असर हुआ है। नहीं हुआ तो हम उग्र आंदोलन तैयारी करेंगे और चौराहे पे लेके चक्का जाम की स्थिति बनाएंगे। एसडीएम साहब को बुलाएंगे, कलेक्टर साहब को भी बुलाएंगे, विधायक महोदय को भी बुलाएंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। उत्तम सिंह, कौन से वार्ड से हो? 14 नंबर। अच्छा, तो आप जो नगर परिषद पे आए हो पोहरी में, किस लिए आए हो? हम इसलिए आए कि एक पंप है हमारा, 6 महीने से बंद पड़ा है। हाँ, उसके बाद में हमने पार्षद ही फोन लगा लिया, और भी समस्या है। इसके बाद में पैसा भी मांगते हैं जे लोग। कौन मांगता है यहाँ पे? वो जे कर्मचारी मांगते हैं। कितने रुपए मांगने की गई थी आपको? भाई पैसे जो करे, पैसा दे जाओ और इसके बाद में तुम्हारा काम हो जाएगा। कहीं मतलब हैंडपंप सुधारने के भी पैसे मांगते हैं? पैसे भी मांगते हैं ये। तो आप जो नगर परिषद में 1 सैकड़ा से ज्यादा लोग आए, क्या चक्कर है? वो 3 महीने से नल नहीं आया हमारे, बिल्कुल भी पानी नहीं है कहीं। तो इसकी सूचना पहले दी थी नगर परिषद को? हमने 10 बार दे दी। तो कोई समस्या का कोई सुनता? कोई नहीं सुनता। सीएमओ तो आते ही नहीं है साहब। तो आज जो आए हैं सीएमओ साहब, कितने दिन में आए हैं? 1 महीने में आए। तो क्या कही, कोई आश्वासन दिया है? कुछ नहीं दिया, बोले ही नहीं है वो, चुपचाप बैठे हैं। अच्छा, ना तो बस स्टैंड पे कोई पेशाब घर है, ना बस, ना जो चौराहे पे हैं, महिला बेचारी आती हैं चौड़े में बैठना पड़ता है उनको पेशाब के लिए। मेरा नाम मोनू जाटव। तो आप जो नगर परिषद में जो 1 सैकड़ा से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए, क्या चक्कर है? कोई रट्टा नहीं है भाई जान, ना पानी की समस्या, सब कोई ना बोल लगा, ना कछु लगा, ना नल आ रहा है, ना दस दिन से परेशान है, ना साफ सफाई हो रही है, ना साफ सफाई है, ना कुछ भी नहीं है, कोई सुनता नहीं है हमारी। तो सीएमओ साहब से अभी बात की, क्या कही थी उन्होंने? आप सुन लेते हैं और चले जाते हैं, कोई हमारी सुनता नहीं है। तो आप जो नगर परिषद पे आए हो इतने लोग, किस लिए आए हो? काम के लिए आए, कोई साफ सफाई नहीं है। आप चौराहे पे जाकर देखो कैसे वो कचरा पड़ा है। तो कब से ऐसी स्थिति है नगर परिषद की? 1.5 साल हो गए ऐसी चलती है। सीएमओ साहब ने क्या आश्वासन दिया है? कुछ नहीं, सीओ साहब सुन के बैठे आते हैं। अच्छा।